इस टाइम मैं हूँ नक्की झील माउंट आबू। तो अभी थोड़ा सा दिखाता हूँ व्यू। फ़िलहाल मैं ये बाज़ार से निकलता हुआ आया हूँ और ये माउंट आबू जो ऊपर शहर है उस शहर में ही है और बैलून चलते हैं, बैलून के अंदर आदमी घूमते हैं। बहुत कुछ है, अलग अलग है, मोटर बोट है, बाज़ार बहुत है। सबसे ज़्यादा इधर होटल रेस्टोरेंट और बार वाइन शॉप है। जो पैदल नहीं चल सकते उनके लिए ऐसी रेडी बनी हुई और भी बहुत कुछ है। ये छोटे बच्चे जो हैं इसके अंदर डाल दिए जाते हैं और ये बैलून घूमता रहता है। ऐसे बैलून बहुत आगे तक हैं, ऐसे छोटे बच्चे होते हैं। तो लेक है पहाड़ी की, उसमें यहाँ से तो स्टार्टिंग है। ये पहाड़ी है, पहाड़ी की गोद में ये लेक बना हुआ है और इस साइड में गार्डन है, वाटिका बना रखी है जिसमें लोग इधर आके बेंच वगैरह में बैठते हैं। और यहाँ से काफ़ी हाइट में गुरु शिखर बोलते हैं उसको, एक पहाड़ी है बहुत हाइट में, वहाँ तो बादल भी आपको दिखाई देंगे। मौसम के हिसाब से है, हर समय नहीं लेकिन बादल वहाँ से बताते हैं, दिखते हैं। तो बहुत बढ़िया लेक है, बस थोड़ा इन्जॉय करने के लिए। लेकिन कुछ भी कहो, जो घूमने की जगह कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर का, कश्मीर श्रीनगर में, वो कहीं नहीं मिलेगी। वो एरिए, वो बड़े बड़े पार्क, वो मतलब आप खुद जाके देखोगे, जाओगे तो कंपेयर करके बता पाओगे। ऐसे मेरे कहने से नहीं होगा, लेकिन नॉर्मल छोटी डेस्टिनेशन में दिखाओ आप। तो गुजरात के लोग जो हैं, जो सस्ते में थोड़ा आना चाहते हैं, सस्ते में जो ठंडे एरिया में आना चाहते हैं, वो यहीं आके अपना दिल बहला लेते हैं। बाकी थोड़ा झील का व्यू दिखाऊंगा, कोई ख़ास इतनी बड़ी झील नहीं है लेकिन है, झील है, इन लोगों के लिए ठीक है। थोड़ा पहाड़ी इलाका है, ठंडा इलाका है, इतनी गर्मी नहीं है जिस हिसाब से गर्मी होती है यहाँ नहीं है। भारत माँ नमन स्थल बना रखा है, भारत माँ के नाम से मूर्ति लगा रखी है और अच्छा है व्यू। होटल इंडस्ट्री बहुत बड़ी है यहाँ की, बहुत होटल पैलेस बहुत हैं। तो ये झील देख सकते हो कि कहाँ तक फैली है। तो मैं कुल मिला के कह सकता हूँ कि ये झील जम्मू की मानसर झील से भी छोटी है, मानसर झील इससे बहुत बड़ी है। ये लगभग 10-12 किलोमीटर दायरे में फैली हुई है, कोई इतनी बड़ी नहीं है। और कश्मीर की जो झील है डल झील, आप जानते ही हो, 33-40 किलोमीटर है। बोटिंग करते हैं लोग किराए पे, लाइफ जैकेट लगा के जाते हैं लोग। क्या बोट शोट का क्या रेट है अभी? अच्छा, तो कह सकते हैं पैडल बोट है, पैडल से चलती हैं, आप किराए पे लेके जा सकते हो। कुछ बोट हैं जो चप्पू से चलती हैं, उसमें माली साथ में बैठेगा, वो चलाता है। तो अलग अलग तरह की बोट हैं, अलग अलग किराए हैं, कुछ चप्पू वाली हैं, कुछ पैडल वाली हैं और कुछ बैलून टाइप के हैं, वो छोटे बच्चों के लिए बैलून डाल के घुमाते रहते हैं। तो ऐसे ही सारा सिस्टम है। और ये पहाड़ी थोड़ी छोटी सी पहाड़ी है,
लेकिन यहाँ हम आ रखे हैं, ये बहुत एक्चुअली पीछे से बहुत बड़ी पहाड़ी है, काफ़ी दूर से हम चढ़ के हैं, 30 किलोमीटर ऊपर हाइट है। जब हम चढ़ना शुरू हुए थे तो वहाँ से 30 किलोमीटर हमने सफ़र किया, लेकिन पूरे रास्ते चढ़ाई थी, तो क्या मान सकते हो कि ये 30 किलोमीटर जो है, 30 किलोमीटर की चढ़ाई कह सकते हो कि आप हाइट में है, पहाड़ी इलाका है, ठंडा भी है, इतनी गर्मी नहीं है। तो एक माउंट आबू बिजनेस व्यू से तो बहुत अच्छा है, आप बिजनेस व्यू से सोचोगे तो बहुत अच्छा है।